पूरे दलित समाज को गाली दिया, दलित को नहीं, पूरे ओबीसी एससी एसटी ओबीसी सबको गाली दिया, उसको औकात बताया है कि हम भूमियार है, चार नहीं है, तो उसको बता दीजिए कि क्या होता है चार, क्या होता है दलित, क्या होता है बहुजन और क्या होता है 90%। चिराग भैया की क्या मजबूरी है कि उनको टिकट दिए जो उनको पार्टी को तोड़ दिया, उनके परिवार को तोड़ दिया, बंगला छीन लिया, जो अपने पिताजी का बंगला नहीं बचा सका, वो आपकी इज्जत क्या बचाएगा, वो आपका घर क्या बचाएगा। तो इन्हें देखिएगा कि चिराग भैया हमारा पसमान जी है तो उन्हें दे दें। ये देखना है कि हमारे लिए जो 10 साल लड़ा शंभू सिंह है, तो चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा, कहाँ दबेगा, तो शंभू जी को जिताइएगा। एगो वो है जो कहता है हम नहीं हम भूमियार हैं, तो खराब चीज होता है जी, वो गर्व करता है अपने जात पर और आपको नीचा दिखाता है, उसको टिकट मिला है तो उसको वोट दीजिएगा। आए आएगो दूसरा कौन है लोजपा से जो रामविलास जी की पार्टी को तोड़ा, अरे रामविलास पासवान हमारे गार्जियन थे, उनकी पार्टी को कौन तोड़ा, वीना देवी, और उसको टिकट कौन दिया, चिराग पासवान। तो जो अपने पिता की पार्टी को तोड़ा और अपने पिता की पार्टी को तोड़ने वाले को टिकट दिया, क्या आप उसको वोट देंगे। और शंभू जी बार बार बोल रहे हैं कि हमारी आबादी कितनी है 90%, तो हमारा नेता कहाँ से निकलेगा। अरे बोलिए ना जी, अरे बाबा साहब बोलने बोले आप लोग बोलते नहीं है, शंभू जी 10 साल से बोलते रहे हैं, आपके लिए लड़ते रहे हैं, इतना समाज में मनुवादियों से दुश्मनी लिए हैं, अकेले लड़ भिड़ जाते हैं सगरो पूरा बिहार से लेके दिल्ली तक, और आपके पास आए हैं, तो आपको तो गर्व करना चाहिए कि आपके क्षेत्र के हैं शंभू जी, लोकल हैं, यहाँ के बेटा हैं और पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं आपके जिले का। तो जब वोटवा देवे की बारी आएगा तो जो आपको बोला है कि हम भूमियार हैं चार नहीं है, तो उनको कैसे जवाब दीजिएगा। अरे अरे बोलिएगा हो, अरे आकाश आनंद क्या बोले थे, अरे बसपा के नेता आकाश आनंद क्या बोले थे कि ईवीएम का बटन क्या समझ के, नहीं सुने भाषण, वही समझ के टिप दीजिएगा, कहाँ टिपिएगा, अरे कहाँ बटन दबाइएगा, अरे जोर से बोलिएगा तब ने सब लोग सुनेंगे जी, ऐसा बोलिए कि उन्हें चिराग पासवान के भी कान में आवाज जाए और उन्हें मुन्ना शुक्ला के भी कान में आवाज जाए और उन्हें तेजस्वी यादव जी भी सुने कि कितनी बड़ी गलती किए हैं, वो गलती किए हैं तेजस्वी यादव। तो ये आपको अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई है, जो आपके जात के नाम को लेके गाली देता है उसको जवाब देने की बारी है, दीजिएगा जवाब, आपके जात को नीचा दिखाया ना जी। हाँ तो जो कांसी राम क्या बोले थे कलम दिखा के कि जो सब दिन नीचे रहा है वो ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं, नहीं जाएगा, जाएगा। तो चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा, कहाँ दबेगा, तो शंभू जी को जिताइएगा। अरे हमारे बड़े भाई हैं शंभू जी, आज हम जो भी हैं इनके मार्गदर्शन पर हैं, ये अगर नेशनल दस्तक नहीं बनाते और इनका चैनल नहीं चलता तो इनको देख के कोई दूसरा लोग कहाँ से बनाता, जब ये दिखावे नहीं करते, ये हम लोग को रास्ता दिखाए कि बहुजन का भी चैनल हो सकता है। पहले जानते थे क्या होता था, सारा माइक फॉरवर्ड नेता का आगे लगता था, हम लोग देखते थे कि हमारा नेता का आगे कोई माइके नहीं लगाता है, सब मुंह देखता था इन्ने उन्ने कि कोई हमरो तर माइक लगाता। आज हजारों की संख्या में बहुजन समाज के पत्रकार हो गए और सब बहुजन नेता के आगे माइक लगाते हैं, तो वो देन अगर पूरे देश में है तो शंभू जी की देन है और वो आपके बीच में आए हैं। जो भाई ने कहा है तो कह दे रहे हैं, चुनाव अकेले लाए हैं, जो दलित पिछड़ा को टिकट कहीं ना मिलता है, कहता है पैसा नहीं है, एक बार वैशाली
देश के मैसेज देगा कि बिना पैसा के भी चुनाव जीतल जाला समाज के नाम पर। अरे अरे इनको जवाब ऐसे दीजिए कि मान्यवर काशीराम बोले थे एक वोट और एक नोट, तो आप लोग कहिए कि हम तो वोटवा देवे करेंगे और नोटवा देंगे, नहीं दीजिए जी। अरे बोलेगा तब ना। अरे हम अकेले थोड़े भाषण दे रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, हम तो बातचीत कर रहे हैं ना आपसे जी। कहिया चुनाव है? अरे कहिया चुनाव है? और कौन छाप है? काहे वोट देंगे? आप तो गाली दिया है जात के नाम पर, जात के नाम पर कोई गाली देगा? जवाब दीजिएगा, इधर आइए आप। चार गुंडों की छाती पर बोले क्या करेंगे? मोबाइल बंद कीजिए, बोलिए आप। देखिए आम आदमी मंच पर बोलेंगे, जो जाति शब्द जो बोला है हम लोग को नीच दिखाया है उसको हम लोग को जवाब देना पड़ेगा। वोट के अधिकार से हम लोग उसको जवाब देने का काम करेंगे। बोलिए जय भीम, जय भीम। आज एक करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है, अरे पैसों बांटेगा और जानते हो क्या कहता है? अरे दलित लोग क्या है, वो तो 500 रुपया देंगे, भोटवा हम ही को दे देगा। आए तो 500 रुपया में ईमान बेच दीजिएगा जी। बाबा साहब यही सिखाए हैं कि बाबा साहब का संविधान बचाना है, और एक ऐसा आदमी को इंडिया एयरलाइंस से टिकट मिला है वो अपने संविधान विरोधी है, जो आपको आदमी नहीं बूझता है, जो आपको जात के नाम पे गाली देता है। आए? और अपने डीएम थे दलित डीएम जी कृष्णैया, उनके वो जो जान लिए हैं उनको वोट दीजिएगा जी। कुछ अगर आवेगा तो पूछिएगा कि काहेला जेल गए थे, जेल गए हैं? आए कुछ जब आवे तो कहिएगा कि कितना मुकदमा है आप पर। आए और तेजस्वी जी भी आवे तो उनसे सवाल कीजिए कि जो हमको गाली दिया है, हमरे जात के नाम का गाली दिया है, अगर किसी रविदास को गाली दिया है तो एक रविदास को नहीं पूरे देश के रविदास को दिया है, पूरे देश के रविदास को नहीं पूरी दुनिया में जितने रविदास है सबको गाली दिया, और सिर्फ रविदास को गाली नहीं दिया, पूरे दलित समाज को गाली दिया, दलित को नहीं पूरे ओबीसी एससी एसटी ओबीसी सबको गाली दिया, उसको अवकाश बताया है कि हम भूमियार है चार नहीं है, तो उसको बता दीजिए कि क्या होता है चार, क्या होता है दलित, क्या होता है बहुजन, और क्या होता है 90%। तो वोट देना है इस बार अपनी इज्जत के लिए, अपनी जाति के सम्मान के लिए, अपने ओबीसी भाई के लिए, अपने दलित के लिए, अति पिछड़ा के लिए, सबके लिए। कभी भी जो हमको गाली दिया है कोई कीमत पे उसको वोट नहीं देंगे, उसको औकात बताएंगे। और तेजस्वी को भी कहेंगे कि जिसको आपने टिकट दिया है वो हमको गाली दिया है, हम उसको वोट नहीं देंगे। अगर संविधान बचाने की भी बारी है तो बहन मायावती जी संविधान नहीं बचाएंगे क्या? मायावती जी के साथ रहेंगे। हाँ ये तो बोल रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला जीत भी गया तो कूद के जाएगा वो लोग बीजेपी के साथ। अब बताइए कि एगो टिकट मिला है हाजीपुर वहाँ वैशाली में, किनको मिला है? बिना जी उनके पति किनके साथ है? नीतीश के साथ। तो चिराग पासवान रोते थे कि हमारा पति को तोड़ दिया, के तोड़ा? तो गद्दार है, के गद्दार है? तो वीणा देवी। तखने बड़ी दर्द होता था हमको कि अपना दलित नेता है वो नया नेता है चिराग पासवान, जखने बहुत दर्द होता था कि हमारा नेतवा के पटिया तोड़ दीस, तो के तोड़ीस? तो वीणा देवी। ओकरे घर में प्लान हुआ सब, और उसका पति और अशोक चौधरी यह सब प्लान किया। आवाज देखिए हमारा चिराग भैया मोदी जी का हनुमान, टिकट किसको दिया? जो पटिया को तोड़ा, बिन अब आप लोग कहते हैं 20 करोड़ दिया कि कितना, हम तो नहीं देखे हैं, ये आपका आरोप है। हम बोलेंगे तो चिराग भैया केस कर देंगे, इसलिए हम लोग नहीं बोलते हैं। हाँ ट्विटर वो बंद करवा दिया हमारा। तो चिराग भैया की क्या मजबूरी है कि उनको टिकट दिए जो उनको पार्टी को तोड़ दिया, उनके परिवार को तोड़ दिया, बंगला छीन लिया, जो अपने पिताजी का बंगला नहीं बचा सका, वो आपकी इज्जत क्या बचाएगा, वो आपका घर क्या बचाएगा? है जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वालों के साथ है, जिसके घर को खाली करा दिया गया, जिन लोगों ने चिराग भैया के घर को खाली कराया, मोदी के हनुमान बने हुए हैं, उसी के हनुमान बने हुए हैं, कल को आपका घर भी जो खाली कराएगा चिराग भैया उसी के साथ खड़े होंगे। अब बताइए सब दिन रामविलास पासवान जी जिस घर में रहे उस घर को जो खाली कराया
चिराग भैया उन्हीं के आगे नतमस्तक है, कल को आपके घर को जो खाली कराएगा चिराग भैया उसी के साथ खड़ा होंगे। तो इन्हें देखिएगा कि चिराग भैया हमारा पसमान जी है तो उन्हें दे दें। ये देखना है कि हमारे लिए जो 10 साल लड़ा शंभू सिंह है, हम इनके शिष्य हैं, मानिए हम इनके दिखाए मार्ग पे चले। अगर हम आए हैं तो हम तो दलित समाज से हैं, हमारा बात मानिए। ये ओबीसी हैं, ये ओबीसी इनके नाम पे वोट देगा। इस तरह बहुजन एकजुट होगा और बहुजन एकजुट हो गया तो बहुजन जीतेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और जो आरोप लगा पैसा पे टिकट खरीदने वाला भी नहीं चलेगा। मुन्ना शुक्ला कहिए तेजस्वी जी झंडा उठाए, देखे तेजे सोच समझ के वोट देना है, सम्मान के लिए वोट देना है। हाँ पैसा खर्चा करना पड़े इनको जिताने के लिए तो ओहो कर दीजिए। इन है कि कहिएगा बूथुआ पर रहेंगे तब धीरे पैसा चाहिए, ओहो होता है चुनाव में, तो पैसा खर्चा करके इनको जिताना है। ठीक है तो बोलिए जय भीम जय भारत। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।